तो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। लग रहा हूँ ना एकदम बिजनेसमैन टाइप का आदमी। ओ यार फ्रैंकलिन, मुझे तो तू बरातों में से पैसे लूटने वाला लग रहा है। अरे जैक तुम चुप करो। तो दोस्तों आज मैं बिजनेसमैन वाले कपड़े इसलिए पहन के आया हूँ क्योंकि गाइस आज मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजनेस। अरे यार फ्रैंकलिन कैसा बिजनेस? अरे हाँ मैं वही बता रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे तीन टीमें हैं। पहली टीम है अवेंजर्स की टीम और गाइस दूसरी टीम है गोस्ट कम्युनिटी की टीम और गाइस थर्ड टीम है मेरे दोस्तों की टीम और गाइस यहाँ पे हर एक टीम ने 2-2 करोड़ रुपए जमा किए हैं। अरे यार फ्रैंकलिन वो तो हमने किए ही है। अरे हाँ मुझे पता है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हो गए 6 करोड़ रुपए और दोस्तों जो टीम यहाँ पे इस वाले रैम चैलेंज में जीतेगी उसे मिलेंगे पूरे 6 करोड़ रुपए। ओए यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, पर हमने तो कोई पैसे दिए ही नहीं है। अरे हाँ जैक, क्योंकि तुम्हारे पैसे मैंने दिए हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे मेरे दोस्तों वाली टीम जीती यानी कि ओगी जैक और लिटिल सिंगम और कीको वाली टीम जीती तो यहाँ पे मुझे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे और मेरी टीम को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए और गाइस इसमें सीधा सीधा फायदा मेरा हो जाएगा पूरे 1 करोड़ रुपए का। ओए यार हम नहीं देंगे तुझे पैसे। क्यों दे हम तुझे पैसे? अरे क्योंकि तुम्हारे पैसे मैं दे रहा हूँ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हे भैया फ्रैंकलिन की बात भी बिल्कुल ठीक है। अरे यार हाँ, तो दोस्तों आपने देखा आपके भाई फ्रैंकलिन द बिजनेसमैन का दिमाग। वाह यार फ्रैंकलिन वाह, सच में तुझ में दिमाग बहुत है। अरे यार हाँ वो तो मेरे अंदर बचपन से ही है। अरे यार फ्रैंकलिन तब क्या होगा? अरे जब तुम्हारी टीम जीतेगी ही नहीं। अरे यार हाँ, क्योंकि जीतने वाले तो हम लोग हैं। मुझे अपने दोस्तों पे पूरा भरोसा है। अरे यार वाह फ्रैंकलिन तुम तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। ओए यार तो फ्रैंकलिन इसी बात पे सबसे पहले मैं और मुन्ना जाएंगे। अरे क्या तुम लोग? पर तुम लोग सबसे पहले क्यों जा रहे हो? ओए यार अभी तूने तो बोला कि तुझे हम पे भरोसा है। ओए यार तो हम पे भरोसा रख, हम ही पैसों को जीतेंगे। अरे ठीक है। अरे यार तुम नहीं, हम लोग पैसों को जीतेंगे। अरे यार हाँ सचिन निचनिया ने बिल्कुल ठीक बोला। अरे यार मेरा नाम सचिन निचनिया नहीं है, मेरी टीम वाले भी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, बस आप इनसे कुछ बोलते क्यों नहीं। ताले यार तब लाओ, मेरा ताला फोकट अभी पैतों पे है। अरे जैक बस मेरे पैसों को डुबा मत देना, ये रैम कोई आम रैम नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक रैम है। ओ यार ठीक है। तो मुन्ना तो क्या तू तैयार है? ए भैया हाँ मैं तो एकदम तैयार हूँ। ओ यार तो फिर ठीक है। ओ यार ये क्या हो गया? ओ बीच में दीवार कहाँ से आ गई? अरे जैक ये तुमने क्या कर दिया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम पहले मत जाओ। ओ यार ये क्या? ओ यार मैं तो पानी में आ गया। ए भैया ये आपने क्या कर दिया? इसका मतलब हम लोग 3 करोड़ रुपए नहीं जीत पाएंगे। अरे तुम सिर्फ जीत ही नहीं पाओगे पर मेरे तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए डूब गए। अरे यार दोस्तों मेरे 2 करोड़ रुपए डूब गए। अरे यार पुलिस की वर्दी शेर का दम। फ्रैंकलिन तुम अभी रो मत, हो सकता है दूसरी टीम यहाँ पे एक भी बार रैम को पार ना कर पाए। अरे हाँ अभी तो गाइस जीतने की उम्मीद है। अरे फ्रैंकलिन बिल्कुल उम्मीद नहीं है तुम्हारी, अभी तुम देखना मैं और ग्रैनी कैसे इस रैम को पार करते हैं। अरे हाँ ठीक है स्लेंडरमैन। दोस्तों मुझे नहीं लगता ये स्लेंडरमैन और ग्रैनी वाले रैम को पार कर पाएंगे। अरे क्या बोला तुमने, अभी तुम हमारा कमाल देखोगे। अरे हाँ स्लेंडरमैन ले चलो गाड़ी को एकदम फुल स्पीड में। अरे ग्रैनी ये गाड़ी थोड़ा ही है, ये तो बाइक है। अरे हाँ जो भी है ये इसको ले चलो। अरे ठीक है मैं तो इस दीवार से एकदम बच के ही ले जाऊंगा, ये देखो। हे भगवान स्लेंडरमैन और ग्रैनी को आउट करवा दो। अरे यार फ्रैंकलिन कैसी प्रार्थना कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या तुम? अरे मेरे 2 करोड़ रुपए डूबने नहीं चाहिए, इन लोगों को प्लीज कोई आउट करवा दो। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे वहीं पे आकर तुमको मारूंगा, चुप हो जाओ। अरे ठीक है तलियाल हाँ मेरी टीम मेंबर के बारे में कुछ मत बोलना। ओ यार फ्रैंकलिन के बारे में तुम कुछ मत बोलना, उसने हमारे लिए पैसे लगाए। अरे हम तो बोलेंगे। ग्रैनी ये देखो यहाँ से मैं कितनी ज्यादा खतरनाक जंप लगाता हूँ। अरे यार वो स्लेंडरमैन हम तो लगता है फिनिश लाइन पे ही जाकर रुकेंगे। अरे अरे यार हाँ ग्रैनी हम लोग यहाँ पे फिनिश लाइन पे आ गए। ग्रैनी वाह। अरे यार स्लेंडरमैन वाह, मतलब कि 6 करोड़ रुपए हमारे हो गए। अरे नहीं अभी पूरा मैच खत्म नहीं हुआ है। अरे यार तो जल्दी से मैच को खत्म करो, यहाँ पे मुझे मेरे 6 करोड़ रुपए चाहिए। अरे दोस्तों यहाँ पर स्लेंडरमैन और ग्रैनी ने तो रैम को पार कर लिया, मतलब कि गाइस जीतने की तो उम्मीद एकदम खत्म हो गई मेरी, क्योंकि गाइस मेरी टीम में बस कीको और लिटिल सिंगम ही बचे हैं। अब तो गाइस मैं बस ड्रॉ ही कर सकता हूँ मैच को। अरे यार तुम मैच को हारोगे क्योंकि हमारी टीम में से चारों के चारों इस रैम को पार करेंगे। अरे यार वाह वेनम पुल ने बिल्कुल ठीक बोला। अरे यार वेनम पुल बड़ी वाली स्कूटी को लो।
और यार नहीं नहीं, वेनम पुल सबसे छोटी वाली स्कूटी को लेगा। अरे यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और यार मुझ पे भरोसा रखो, मैं इस रैम्प को आराम से पार कर लूंगा। अरे यार अगर ये रैम्प पार नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें पार कर दूंगा। हाँ ठीक है हल्क, तो दोस्तों यहाँ पे मैं और हल्क चले और इस वाली रैम्प को तो हम लोग बड़ी आराम से पार कर देंगे, क्यों हल्क? अरे यार हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला। अरे दोस्तों इन लोगों को ये वाला रैम्प हारना होगा, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ पर रैम्प को पार करें और गाइस मेरे 2 करोड़ रुपए डूब जाए। दोस्तों मैंने अपना घर भी बेच दिया 2 करोड़ रुपए के लिए। और यार क्या इतना सस्ता घर बेच दिया तुमने? अरे यार हाँ, ये कपड़े भी मैं भाड़े के पहन के आया हूँ। ओ यार फ्रैंकलिन, ओ यार हमें तेरे लिए बुरा लग रहा है यार। और यार हट जाओ मेरे रास्ते से। ए तुम साइड से भी तो निकल सकते हो। अरे यार लो हम निकल गए साइड से। अरे यार हाँ, अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे कंट्रोल से भाग जा रही है। अरे यार अगर ये पानी में गई तो मैं तुम्हें पानी में भिगा भिगा के मारूंगा। अरे यार ठीक है हल्क, दोस्तों मुझे किसी भी तरीका से फिनिश लाइन पे जाना पड़ेगा। और यार ये देखो मैं यहाँ पे फिनिश लाइन पे आ गया। अरे यार वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अरे यार नहीं ये चीटिंग है, तुम यहाँ पे गिर गए हो पानी के अंदर इसलिए तुम हार गए हो। अरे यार पागल हो गए तुम, हमने पूरा रैंप पार किया है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीटर बोलने की? ये लो। अरे यार हम तो बोलेंगे चीटर। और यार अच्छा ये लो, दोनों को पीटूंगा मैं, भूले मत तुम गोस्ट कम्युनिटी हो और मैं एवेंजर। अरे तुम लोग यहाँ पे हाथापाई को बंद कर दो। अरे हाँ तुम लोगों ने यहाँ पे सही से रैंप किया है। अरे यार अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, मैं तो कब से बोल रहा था। तलेल फ्रैंकलिन यहाँ पे वेनम पुल और हल्क ने मिले तेलों को पीता है, अभी मैं दाऊंगा उनको पीने के लिए। आओ पेनी बाइट। अरे यार हाँ बस अभी आता हूँ, पेनी बाइट तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता है। ताले यार डायलॉग मत मालो और दलित आदाओ। अरे यार बस में आ गया, पर ये क्या कर रहे हो आप, पाद क्यों मार रहे हो? ताले यार ये पाद नहीं है। अरे यार तो किस चीज की बदबू है ये? ताले यार वो मैंने कई दिनों से अपने कपड़े नहीं धोए हैं। अरे यार बस ऐसा क्यों करते हो आप? ताले यार मेरे कपड़े धोने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, भूल गए क्या? अरे बस ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हमें वेनम पुल और हल्क से बदला लेना है और 6 करोड़ रुपए भी जीतने हैं, क्योंकि यहाँ पे अरे क्या बस यहाँ पे आपने हमारे भी 2 करोड़ रुपए डुबा दिए। ताले यार क्या हमने भी 2 करोड़ रुपए लगाए थे? अरे यार बस आप भूल गए क्या, हमने भी 2 करोड़ रुपए लगाए थे। ताले यार हम लोग अपने 2 करोड़ रुपए हार गए। अरे यार अब पता चला मुझे कैसा लग रहा है दोस्तों, पर अभी भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे गाइस अभी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे गोश्त कम्युनिटी हार गई। अरे यार फ्रैंकलिन अभी से खुशियाँ मत बनाओ, क्यों थॉर? अरे यार हाँ फ्रैंकलिन अभी से खुशियाँ मत बनाओ, क्योंकि अभी मैं और वेनम यहाँ पे पूरा रैंप जीतने वाले हैं, फिर हमारी टीम जीत जाएगी और हमारी 2 करोड़ रुपए भी बच जाएंगे। अरे यार मतलब मेरे 2 करोड़ रुपए डूब जाएंगे क्या? अरे यार तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। अरे मुझे नहीं लगता तुम जीतोगे। अरे यार क्या बोला तुमने? फ्रैंकलिन के बच्चे तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे अरे सॉरी अरे ताली बजाना बंद कर दे ये ले। अरे दोस्तों ये क्या कर रहा है, अब तो मैं जानबूझ के बजाऊंगा ताली, मुझ में तुम अपनी बैग को ठोक रहे हो। अरे यार ये कलुआ ऐसे नहीं मानेगा थॉर, इसके ऊपर तुम अपनी बिजली गिरा दो। अरे यार फ्रैंकलिन मेरा भी बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है, तुम मेरे दोस्त के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। अरे यार थॉर तुम चुपचाप बैठे रहो। अरे यार ठीक है फ्रैंकलिन सॉरी जो भी मैंने किया। अरे थॉर तुमने कहाँ पे कुछ किया है? अरे थॉर छाओ पानी में। अरे दोस्तों ये क्या, यहाँ पे वेनम ने थॉर को पानी में गिरा दिया। अरे यार हाँ 2 करोड़ रुपए मेरे और पूरे एवेंजर्स के होंगे, थॉर का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे फिनिश लाइन को भी पार कर लिया। अरे यार आओ आओ 2 करोड़ रुपए में तुम्हारा स्वागत है। अरे दोस्तों मेरे तो 2 करोड़ रुपए डूब गए, सोचा था कि मैं यहाँ पर रैम चैलेंज करवा के लोगों को कौन बनेगा करोड़पति खिलवाऊंगा, पर गाइस यहाँ पे मैं ही करोड़पति हो गया। अरे यार वाह मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, लाओ मेरे 6 करोड़ रुपए लाओ। अरे यार पुलिस की वर्दी शेर का दम, अभी मेरा और कीगो का आना भी बाकी है। अरे यार हाँ अभी हमारा आना भी बाकी है। अरे यार फ्रैंकलिन तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम चाहे इस रैम को जीत भी जाओ फिर भी मेरे 2 करोड़ रुपए मुझे नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे ऑगी और जैक पहले ही हार चुके हैं। अरे यार तुम हिम्मत मत हारो, चलो तुम हमारे साथ में चलो। अरे मैं कहीं पे जाने के लायक नहीं हूँ दोस्तों, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं दोस्तों, मेरा घर चला गया, अब इस सूट का भाड़ा भी मैं कहाँ से दूंगा। अरे तुम लोग मुझे पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो? अरे यार कीको इसको छोड़ना मत। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बैग पे ऐसे मत बिठाओ। अरे यार मैंने कस के पकड़ रखा है फ्रैंकलिन, इसको मैं गिरने नहीं दूंगा। अरे दोस्त मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मेरे हाथ पैर भी मत तोड़वा देना तुम लोग, फिर मैं हॉस्पिटल का बिल कहां से दूंगा। अरे यार चुप करो तुम एकदम। दोस्तों तो ये देखो मैंने यहाँ पे कितनी ज्यादा ऊंची जंप लगाई है और यहाँ पे हम लोग भी आ गए फिनिश लाइन के पार। अरे मैं यहाँ पे इस वाले रैम चैलेंज को तो जीत गया, पर मैं अपने बिजनेस में नहीं जीत पाया दोस्तों, मेरा बिजनेस तो खुलने से पहले ही
चौपट हो गया। और यार फ्रैंकलिन, ऐसे बिजनेस तुम करते क्यों हो? अरे आज की बात मैं ऐसे बिजनेस कभी नहीं करूंगा। अरे यार हमें कुछ नहीं पता, हमें तो हमारे 6 करोड़ रुपए चाहिए। अरे यार हाँ, कहाँ है मेरे 6 करोड़ रुपए? अरे यार ले लो तुम अपने 6 करोड़ रुपए। अरे यार दोस्तों वाह, आज तो मजा ही आ गया। और दोस्तों अगर आपको हमारा रैम चैलेंज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अरे यार हाँ दोस्तों, पैसे तो मुझे मिल नहीं पाए, कम से कम सब्सक्राइबर्स ही मिल जाए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अरे यार हाँ दोस्तों, अरे यार तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक ऐसी खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।